हमीरपुर के पंजाब नेशनल बैंक द्वारा गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इस अवसर पर बैंक का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं प्रबंधक ने बताया कि आज पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया, जिसमें पुलिस जवान द्वारा मार्च पास्ट की सलामी दी गई। उन्होंने बताया कि पीएनबी बैंक अपने ग्राहकों की हर सुविधा का खास ख्याल रखता है। उन्होंने बताया कि पीएनबी बैंक में हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर स्कीमें उपलब्ध हैं, जिसका लोग बेहतर लाभ उठा सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक का हमीरपुर मंडल की तरफ से हमारे तिरंगे को फहराया गया है। इस मौके पे हम पूरे हमीरपुर क्षेत्र के वासियों को बताना चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक 1895 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। लगभग 125 साल इस बैंक को सेवा करते हुए हो गए हैं और इस बैंक की जो नींव है वो स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी हुई है, और उनमें सबसे बड़े थे लाला लाजपत राय, कादी प्रसन्ना, दयाल सिंह मजीठिया। और पंजाब नेशनल बैंक की जो पहली शाखा थी वो लाहौर के अनारकली बाजार में शुरू हुई थी, और देश का सबसे पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तब से आज तक और आगे आने वाले समय में भी पंजाब नेशनल बैंक लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता आया है और करता रहेगा। हमारे समाज का कोई भी वर्ग हो, नौकरी पेशा करने वाले हों या छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, किसान हों, बेरोजगार हों या विद्यार्थी हो, सब के लिए कोई ना कोई स्कीम पंजाब नेशनल बैंक के पास है, और बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म्स पे और बहुत ही कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पे हमारी स्कीम्स हैं जो पूरे देश के लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इसमें पंजाब नेशनल बैंक का बहुत ही बड़ा योगदान है। पूरे देश में लगभग 9000 से ज़्यादा ATM की मशीनें हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे पासबुक अपडेशन मशीन्स हैं, लगभग 3000 के करीब हमारा जो रोकड़ा, जो कैश जमा करने की मशीनें हैं वो भी लगाई गई हैं, और आने वाले दिनों में इन मशीनों की तादाद बढ़ेगी। और ये सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों को अपना काम करने के लिए समय बहुत कम मिल रहा है और उनको बैंकों की सुविधा उठाने के लिए बैंकों में आना ना पड़े, इसके लिए ये सारी सुविधाएं बैंक ने दी हैं, ताकि सारा जो काम है लोग अपने इंटरनेट से करें, जो इंटरनेट की सुविधाएं भी बैंक दे रहा है, मोबाइल बैंकिंग से करें, ATM से करें। और ATM के ज़रिए बहुत सी सुविधाएं हैं, अगर हर एक आदमी अगर ATM को थोड़ा एक्सप्लोर करेगा तो उसमें देखेगा कि बहुत सी सुविधाएँ जिसके लिए बैंक में लोग आते हैं वो वहाँ पर उसकी पूरी हो जाती हैं।